तो हमारे पास टाटा नैनो आ गया है, इंजन सीज हुआ है इसमें। हम यहाँ पे पीछे का बम्पर, बोनट, डिक्की और साइलेंसर, रेडिएटर सब खोले हैं। अभी हम लोग इसमें इंजन उतारने वाले हैं। इंजन उतारने में क्या है, थोड़ा सा तकलीफ़ है, तीन बीडिंग आता है इसमें भी। यहाँ एक बीडिंग है, यहाँ से हम ली एक्सल दोनों हम लोग डिस्कनेक्ट करने वाले हैं। एक्सल डिस्कनेक्ट करके इंजन उतार के पार्टी गुजरी से इंजन डालूंगा बोला है। देखेंगे हम लोग कैसा है क्या है, खोल के उतार के आपको दिखाता हूँ नैनो को इंजन कैसा उतरता है। भाई भाई रुकिए रुकिए थोड़ा, ये अभी वीडियो मैंने दिखाया था कि इस आखिर गाड़ी में हुआ क्या है, पहले सुन तो लीजिए कि इसमें इंजन चेंज क्यों होने जा रहा है, आखिर हुआ क्या है, कितना खर्च होगा, और इंजन चेंज कर रहे हैं तो उसका लाइफ ज़्यादा आएगा कि हम लोग रिपेयर करते हैं, ओवरवेलिंग करते हैं, उसका लाइफ ज़्यादा आएगा। तो उसी टॉपिक पर आज बात करने वाला हूँ दोस्तों। मैं अनुज, बेंगलोर इंडिया से। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल R&D कार सर्विस के वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं टाटा का जो नैनो कार है, इस कार में क्या हुआ है, इंजन सीज हो गया। बिना वाटर के जब गाड़ी चलती है ना तो हीट होता है बहुत ज़्यादा, और हीट होने की वजह से क्या होता है, गाड़ी बेंड हो जाता है। जो अंदर का मटेरियल होता है ना, हेड का या इंजन का, नॉर्मली पेट्रोल गाड़ियाँ में तो वो एल्युमिनियम का देता है, ठीक है। तो पानी से कैसे भी हीट होके और इंजन सीज हो गई है। तो इस गाड़ी में गाड़ी वाले ने बोले कि मुझे रिपेयर नहीं करना है, यहाँ पे एक सेकेंड्स मार्केट है जहाँ पे एक्सीडेंट गाड़ियाँ को बेचा जाता है, और एक्सीडेंट गाड़ियाँ को जो अच्छे अच्छे पार्ट्स होते हैं वो खरीद के किसी दूसरे गाड़ी में यूज़ किया जाता है। तो जिसे हम इस लैंग्वेज में एक बार गुजरी बोल दिया हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि आप इंजन रिपेयर कराएंगे उसका लाइफ ज़्यादा आएगा, कि आप सेकेंड्स मार्केट से लेके इंजन आते हैं उसका लाइफ ज़्यादा आएगा। तो ये वीडियो आप देखिएगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी टॉपिक है जो आप लोग बहुत ही ध्यान से सुन लीजिए। जब हम इंजन ओवरऑयलिंग करते हैं उसमें अंदर देखते हैं कि क्या पार्ट ख़राब है, कौन सी पार्ट चेंज करना है, तो उसका लाइफ ज़्यादा आता है। एक बात मैं बोलूँ तो जो रिपेयर करते हैं उसका लाइफ इंजन का ज़्यादा आता है, जो सेकेंड से हम इंजन डायरेक्ट लेके आते हैं उसका, मतलब भगवान जाने, जब हम इंजन सेकेंड्स लेने जाते हैं तो उसके अंदर हम लोग चेक नहीं करते। हाँ, चेक क्या करते हैं कि इंजन फ्री है या नहीं है, इंजन तो स्मूथनेस है या नहीं, इंजन देखने में अच्छा तो नहीं है, क्या मॉडल का है, वो सब छोटी मोटी आप लोग मिला के इंजन को लेके आ जाते हैं घर पे। लेकिन मैं यही गेस करूँगा, मैं यही आपको राय दूंगा कि आप इमरजेंसी में है, गाड़ी मतलब यूज़फुल नहीं है, ज़्यादा दिन आप चलाना नहीं चाहते हैं, मतलब कम टाइमों के लिए चलाना चाहते हैं, तो जब भी आपका इंजन मतलब सीज होता है तो आप चेंज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन हम गेस करूँगा, मैं आपको राय दूँगा कि जब भी आपको इंजन सीज होता है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा तो खर्च होता है, बट इंजन को रिपेयर करा लेना चाहिए। उससे क्या होता है पता है, आप सेकेंड्स मार्केट से इंजन लेके आएंगे उसमें कुछ नहीं पता रहता है, थोड़ा दिन चलाइएगा अच्छा चलेगा, गाड़ी हीट हो गया, इंजन सीज हो गया, भाई ये साउंड आ रहा है, ये धुआं आ रहा है, रिंग्स वीक है, तो उसमें बहुत भथेर सा हो जाता है। तो इस सबको नज़रअंदाज करते हुए आप क्या कीजिए, रिपेयर करा लीजिए इंजन को, ताकि उसका लाइफ टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, तब तक देखते रहिए। तो अभी हम लोग इंजन उतार दिए हैं गाड़ी में से, उतार के AC कंप्रेसर, ये गियर बॉक्स पर पीस कर रहे हैं, इसका पूरा आइटम उतार के हम लोग ये भाई साहब गुजरी से लेके आए, ये गुजरी से लेके आए, इसमें अभी हम लोग इसका पूरा आइटम उसमें फिट करने वाले हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये AC गाड़ी नहीं है, और हमारी गाड़ी है जो AC गाड़ी है, हीटर का पाइप है, AC कंप्रेसर है, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे हेड से डायरेक्ट एल्बो के दे दिया है ये पाइप, देख रहे हैं इसमें AC नहीं है, फिर भी अभी हम लोग पूरा खोल के फिटिंग करके इसको AC बनाने वाले हैं। तो गुजरी से इंजन लेके आए हो, इसको अभी हम लोग, वो डीलर काम करते हैं इसलिए वो नया काम नहीं करवा रहे हैं, रेडी करके सेल करने वाले हैं। और हम लोग इसमें पूरा फिटिंग किए हैं, इंग्लेट मैनिफोल्ड है, ये इसका इंग्लेट मैनिफोल्ड है, यहाँ पर गियर बॉक्स है, टोटल आइटम इसमें से हम पूरा खोल खोल के साइड फिटिंग इसमें करने वाले हैं। आगे बताओ, इस गाड़ी में अभी पूरा हम लोग खोल खोल के इसमें बैठा दिए हैं, ये गुजरी का इंजन था, अब इसमें हम लोग पूरा डाल दिए हैं। अब एक काम करते हैं, इसमें हम आपको टाइमिंग समझा देता हूँ। यहाँ पे कैम है, कैम का टाइमिंग, यहाँ पे आप 10 का, 12 का, 13 का कुछ भी स्पनर डाल सकते हैं, सेम एनडी का टाइप। और फ्राई व्हील का है तो यहाँ पे फ्राई व्हील दिख रहा है आपको, फ्राई व्हील के यहाँ पे देखिए, यहाँ एक होल है, दिख रहा होगा ठीक से, दिखा रहा हूँ, यहाँ एक होल है देखिए, इंजन का साइलेंसर बैठता है ना सामने में, यहाँ एक 10 का बोल्ट लगता है, दिख रहा होगा, ये बोल्ट है ना, ये बोल्ट में फ्राई व्हील लॉक होता है, ये फ्राई व्हील लॉक, यहाँ पे कैम लॉक, कभी भी आप टाइमिंग करना चाहे तो यहाँ पे टाइमिंग केस आता है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे पूरा फिनिशिंग इसका पूरा निकाल के इसमें डाल दिए हैं,
अभी इसमें हम लोग गेयर बॉक्स इंस्टॉल करके गाड़ी में बैठाते हैं, फिर स्टार्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है सर। नो अभी हम लोग फिट कर दिए पूरा गाड़ी, रनिंग में आपको साउंड भी समझ में आता होगा और बेल्ट भी चल रहा है। यहाँ देखिए पूरा रनिंग में है, आपको ये भी दिखाता हूँ, रेस हो रहा है। एक चेक इंजन है, हम उसको डिलीट करवाएंगे पूरा, बैटरी वायर सब खोलने के बाद एक बार रिसेट कराना पड़ता है वायरिंग का। तो चलिए हम लोग, नैनो का भी पूरा डन, इंजन असेंबल करके इंजन स्टार्ट भी हो गया। ये रहा गुजरी का इंजन, हम गुजरी को रिटर्न दे देंगे, गाड़ी में से जो था उसको अभी गुजरी को भेजेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपको इस वीडियो को अच्छे से मैं सुझाव दिया हूं और अच्छे से समझाने का प्रयास किया हूं कि आपको इंजन रिपेयर करना चाहिए या इंजन रिप्लेसमेंट करना चाहिए, तो इस गाड़ी में स्टेप बाय स्टेप जो मैंने इंजन सेकेंड मार्केट से लगाया था उसमें बहुत सी चीज़ थोड़ा डैमेज होता है ना, कि क्योंकि खोलता है और रखता है साइड में, तो ये जो इंजन सीज हुआ था इसमें से कुछ कुछ आइटम ऊपर का जो होता है जो इम्पोर्टेंट होता है जो इस गाड़ी में नहीं था, तो उसमें एक्सचेंज करके एक इंजन हम लोग असेंबली कर दिए, असेंबली तैयार कर दिए और ये इंजन को उसमें डाल भी दिए हैं, जो कि आपको बिल्कुल दिखा दिया हूँ मस्त तरीके से। स्टार्ट एक सेल्फ में हो रहा है, जब भी एक्सेलेरेटर दे रहे हैं फट करके रेस हो रहा है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक बटन जरूर कर दीजिएगा और आप लोग तो सब्सक्राइब कर ही लिए हैं तो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, हंसते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए।